हेलो थैंक्स फॉर क्लिकिंग एंड वेलकम टू सहज इंग्राजी आपनकर स्वागत करूची सहज इंग्राजी को इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स आज हमें गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूचे ग्रामर रा आज रा टॉपिक हला नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स तो कौन-कौन सब नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स अच्छी ता पर आज रा डिस्कशन मेनली हमरा तीनटा नॉन इनफाइनाइट वर्ब अच्छी गोटे हला जेरंड सेकंड हला इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव्स एंड देन पार्टिसिपल्स प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल तो ये तीनटा जाक होचे आपनकर नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स ठीक अछि तो प्रथम हला जेरंड कौन व्हाट इज जेरंड जेरंड इज समथिंग व्हिच एक्ट एज नाउन गुडे नाउन भलिया काम करे किंतु formed with verbs verb द्वारा तैयारी किंतु noun भलिया काम करे गुडे एग्जांपल हमें नै जीवा my father admire my dancing or my dancing skills okay तो एटा हला अपनकर dancing एटी यूज होची एज ए noun किंतु एक्चुअली सेटा फॉर्म हेच कोथरो गुडे verb तो एटा को हमें कहउचे gerund ठीक अछि हमरा फोर टाइप ऑफ जेरंड्स अच्छी केमती यूटिलाइज होची से गोटे सेंटेंस रे से हिसाब रे चारिटा टाइप रहउची प्रथम कथा हला सब्जेक्ट द जेरंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट गार्डनिंग इज माय फेवरेट हॉबी ठीक अछि एटा जेरंड यूज होची एज अ सब्जेक्ट गार्डनिंग हला इट इज सब्जेक्ट जोटा मु कहउची जे मोर गोटे फेवरेट हॉबी ठीक अछि सेकंड टाइप होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें केमती यूज करचे जेरंड को एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तार ओ एग्जांपल हला माय फादर एडमायर माय डांसिंग मो बापा मोर डांस को एडमायर करथि तो डांस होचे एटी ऑब्जेक्ट मो बापा ताको एडमायर करचन तो एटी एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यूज करले जेरंड को थर्ड जिंस हला ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन तार ओ एग्जांपल लेके देखबा आई हैव रिसीव्ड many awards or several awards for my singing rule hisab re eta noha but ame emiti hi utilize karu gerund I have received many awards for my singing or for my swimming or for my dancing okay now last chala apana gerund ko kemti use karchandi subject complement pai okay taro ek example dekhiwa my favorite hobby is wrestling और माय फेवरेट हॉबी इज स्टडी हला एटा कोन कोले आपण सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करले जे मोर सबटु फेवरेट बा मोर सबटु पसंदीदा हॉबी हला पढीबा बा रेसलिंग करबा ओके तो ए हे गला जेरंड जोटा की आपणकर नॉन इनफिनिट वर्ब रे जाउची नेक्स्ट हला आपणकर पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स आपण जानिथिबे जेंति हम कोनती गोटे वर्ब रो टू गो इज अ वर्ब और गोइंग जो कामडा जो कार्य जो एक्शन होची ताको हम वर्ब कोंदी प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल सब वर्ब रो केमती थाए गो वेंट गॉन तो गॉन हला पास्ट पार्टिसिपल गो हला प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक अछि तो सब वर्ब रो सेमती थाए गो वेंट गॉन डू डिड डन ओके तो पार्टिसिपल्स प्लेस रोल ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव हमारे गोटे एडवर्ब बा एडजेक्टिव पाई रोल प्ले करंदी पार्टिसिपल्स थर्ड टाइप रो नॉन इनफिनाइट वर्ब हला इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव माने कोनोसी जगह रे जदी आपण किछि जेंस आग्रो टू लगे दउचंदी सेटा हे जाउची इन्फिनिटिव आई लव टू डांस और आपण कहि परिवे आई लव डांसिंग I love to dancing होवन एटा भूल इंग्लिश है जो कि I love to swimming नॉर्मली हमें मिस्टेक करन दी एटा करिवे नी I love to swim or I love swimming तो जदी आपण जेरंड यूज करचो दी ताहले इन्फिनिटिव रहिवनी सेम सेंटेंस रे ग्रामेटिकल एरर हबो आइदर इन्फिनिटिव रहिबो और जेरंड रखिबे आपण I love dancing or I love to dance
either gerund or infinitive. Example गोटे नहीं जुआ, I love singing, gerund use हला एठी, ing, noun किंबा verb परे ing use कला, मैं तक gerund को हुचे, अगोटे simple definition gerund रख, तो मुँ कहली, I love dancing, I love singing, I love swimming, I love wrestling, I love studying, इटा हला आजे gerund use कला अपना, अपन कोई परिवेन आई लव टू डांसिंग आई लव टू स्विमिंग आई लव टू रेसलिंग रॉन्ग इंग्लिश अपन कोई परिवेन आई लव टू डांस ओ आई लव टू सिंग आई लव टू फाइट आई लव टू स्टडी ओके सेठी अपन इन्फिनिटिव यूज करछंदी टू जोठी लगाउछंदी वर्ब पछरे सेटा हो जाउछी इन्फिनिटिव आ जोठी आईएनजी रहउछी सेटा हो जाउछी जेरंड ओके आशा करूछी आजिर अध्याय अपन को बहुत भल लागथिबो पूर्ण देखावा आसंता काली आ गोटे नुआ ग्रामेटिकल टॉपिक रे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम बिफोर लीविंग मेक श्योर यू आर लाइकिंग कमेंटिंग सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल टेक केयर हैप्पी दिवाली अगेन बाय बाय